हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सभी के दुआ से जो है आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज मैं इसका सेलिब्रेशन करूंगा। सो आज जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसीलिए मैं ये मफलर पहन रखा हूँ। सो आज जो है कब कभी बहुत ज़्यादा ठंड है। सो आप इस सेलिब्रेशन को देखिए और हम मेहनत कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, बस आपसे यही एक गाइस। फाइनली जो है हम अभी नहा धो के फ्रेश हो गए थे और बहुत ठंड थी पर बहुत अच्छा लगा। आज जो है संडे है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, जो सारे सामान रिक्वायर है उस चीज़ को परचेज करने के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो में आज मज़ा आने वाला है। तो हे गाइस, अब जो है हम केक काटने की तैयारी में लग गए हैं, जो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। सो अभी हम इस केक को अपने हाथ से बनाया है जो मैंने खरीदाने हैं। तो अभी हम इस केक को इस भाई अपने को खिलाते हैं। सो मेरे पास चाकू नहीं था। सो हैप्पी वन के गाइज, मेरा जो सेलिब्रेशन है अभी ख़त्म हो चुका है और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे जो है सौरभ जोशी सर ने मुझे कमेंट किया कि गॉड ब्लेस यू। अगर किसी छोटे क्रिएटर को, किसी के पास अगर 1000 सब्सक्राइबर है, किसी के पास एक मतलब मानिए 1 करोड़ से प्लस उसके पास सब्सक्राइबर है, 11 मिलियन, 11 करोड़ किसी के पास सब्सक्राइबर है, अगर वो किसी छोटे क्रिएटर को कमेंट करता है तो उसे बहुत बहुत मतलब बहुत दिल से अच्छा लगता है। तो उनका जो दिल है बहुत बड़ा है, मैं उनके लिए बहुत ही, मैं उनके शब्द लिए फीका पड़ा हूँ, उसे धन्यवाद से जितना भी बड़ा शब्द हो सकता है मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। पर सो गाइस, मेरा एक जो आदत है कि मैं खुद से बनाना मतलब चाहता हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो है मतलब चक्कू के रुपये मतलब घट गए थे। सो गाइस इसीलिए मैंने चक्कू का इस्तेमाल नहीं किया और मैंने खुद से ही अपने भाई को खिला दिया। और केक अगर लगती तो शायद 250-500 से प्लस रुपया लग जाता, पर मैंने जो खुद से ही बनाया और काटा, तो आप इस क्लिप को देखिए मैंने जो बनाया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गाइस, आपको कहा जाता है कि गौ माता को रोटी खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं रोटी खाती या फिर नहीं। सो गाइस यहाँ पर रोटी खा रही है तो मेरे लिए बेसिकली बहुत ही अच्छा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।